फर्स्ट विजिट में हमने 1,02,000 दिरहम इकट्ठे कर ली, फिर एक विजिट प्लान किया कतर 70,000, फिर दुबई चले गए, हमें कोई 55,000 दिरहम हम फिर इकट्ठे कर सके, वो पैसे मैडम फिर अपने साथ कैश लेकर आ गई। आयशा गुलालय ने पार्टी चेयरमैन को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी नेकनामी से महरूम हो गई। आयशा के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुजाहिद खटक ने आयशा पर अस्पताल के नाम पर दुबई और कतर में 2,27,000 से ज्यादा दरहम बटोरने का इल्जाम लगा दिया। हमने 1,02,000 दरहम इकट्ठे कर ली, जो कि वही अमाउंट मैडम आयशा गुलालय अपने साथ लेकर आ गई कैश में, फिर दुबई चले गए, हमें कोई 55,000 दिरहम हम फिर इकट्ठे कर सके, वो पैसे मैडम फिर अपने साथ कैश लेकर आ गई। मुजाहिद खटक का कहना था कि आयशा गुलालय जो रकम कैश की सूरत में साथ लाई, इसमें 1 रुपया भी अस्पताल की तामीर पर खर्च नहीं हुआ। कैश पैसे वो अपने साथ लेकर आई, दिरहम में लेकर आई, और ताहाल अभी मैडम के साथ पड़े हैं। आई डोंट नो कि वो किस अकाउंट में है, तंगी बुनियाद अभी तक नहीं रखी गई। मुजाहिद खटक का कहना था कि आयशा गुलालय ने मेरी मौजूदगी में बनीगाला में इमरान खान से NA1 का टिकट मांगा था। कैमरामैन इशफाक हुसैन के साथ इरफान मुसाजई, 92 न्यूज़, पिशावर।